वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने भारत के साथ T20 के बाद होने वाली वनडे सीरीज के लिए क्रिस गेल को वेस्ट इंडीज की टीम में शामिल कर लिया है। अकेले गेल ही नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज बोर्ड ने जॉन कैम्पबेल, रोस्टन चेस और कीमो पोल को भी वनडे टीम में जगह दी है। गेल के टीम में चुने जाने पर वेस्ट इंडीज टीम के कोच फ्लॉयड रेफर का कहना है कि गेल सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर है, उनके पास काफी अनुभव है, काफी ज्ञान है, उनका होना ड्रेसिंग रूम पर असर डालता है। वनडे क्रिकेट में अभी क्रिस गेल के नाम 10,338 रन दर्ज है। अगर वे 11 रन और बना लेंगे तो वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज लारा को पीछे छोड़ देंगे। लारा अभी तक वेस्ट इंडीज के लिए वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वालों की लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।